जय हिंद, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं और मैं इनसे रामपुर ज़िले के अंदर किस तरह का समाजवादी पार्टी का कार्य चल रहा है, उनकी आगामी चुनाव 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या उन्होंने समीकरण बनाए, जो हमारे यहाँ विधानसभा में सीटें हैं उसके बारे में मैं इनसे जानूँगा कुछ बहुत ज़रूरी सवाल, और इनसे माननीय आजम खान जी के बारे में जानूँगा। और आपसे मैं तारुफ कराता हूँ, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी का जो काम है, जो विकास का काम है, वो हमारे लिए जीत का सबसे बड़ा कारण है। हमारे माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने रामपुर में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रामपुर में सड़कों के लिए, आवाम के, गरीब आवाम के, मजलूम आवाम के हकों को दिलवाने के लिए जितना आज तक काम किया है, वो आज तक किसी पार्टी की सरकार ने रामपुर में नहीं किया है। और यही हमारा दम है, हमारा कार्यकर्ता, हमारी जनता, कार्यकर्ता ही नहीं, जनता आजम खां के साथ है। और अब की से तो जनता ही आजम खां का साथ चुनाव लड़ाने के लिए अग्रसर है, इतनी तैयार है। रामपुर में गरीबी, रामपुर में हमने वो देखा है हालात, गरीबों की खपड़ेलों की झोपड़ियाँ देखी हैं हमने। इसलिए आजम खां साहब ने रामपुर में इतना विकास कराया और पहली बार आजम खां साहब को लोकसभा से जीत मिली। राज्यसभा तो एक बार रह चुके थे, लेकिन रामपुर में लोकसभा से जो जीत मिली उनकी पूरी तैयारी थी। अब की से मैं रामपुर की जितनी चारों विधानसभाएं देहात की हैं उनमें मैं जम के काम ऐसा करूंगा जैसे मैंने शहर में किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस सरकार को, इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उनको काम करने से रोकने के लिए उनके ऊपर झूठे केस लगाकर, बकरी चोरी, भैंस चोरी, ऐसे ऐसे केस लगाकर उनको जेल में डाल दिया है और उन्हें काम करने से रोका है। ये जनता भली भांति जानती है, नहीं तो आज देहात की जनता भी जो विकास कार्य शहर में हुए हैं आज उससे परिपूर्ण होती और वो भी उसका लाभ ले रही होती। इन 5 सालों में आजम खां साहब के साथ गांव की जनता का, देहात की जनता का इतना बड़ा नुकसान इस सरकार ने किया है, मौजूदा सरकार ने। आजम खां ने रामपुर में एक पुल टांडा, जहाँ पे अच्छी खासी आबादी है, उसको जोड़ने के लिए बनवाया। और बनवाने के लिए उन्होंने पहले जो पुल पुराना टूटा था उसके लिए कच्चा पुल तैयार करवाया, 70% वो पुल बन गया, लेकिन 30% ये सरकार उसे पूरा नहीं कर पाई। और कारण सिर्फ एक है, नफरत, नफरत, नफरत। मैं एक जिलाध्यक्ष जी एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते हैं आपने रामपुर ज़िले में और रामपुर ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया है। अरे हम तो खुद ही कह रहे हैं, जो जिम्मेदारी थी आजम खां साहब की, रामपुर से विधायक रहते थे, रामपुर का पूरा उन्होंने काम चमकाया, रामपुर से गुंडाई ख़त्म करी। पहले रामपुर में देहात का आदमी आते हुए डरता था और आज हर जगह रामपुर में ऐसे खुल के घूमता है, ये आजम खां की देन है। और इस बार वो लोकसभा से जीते थे, उनका पूरी तैयारी थी कि मैं चारों विधानसभाएं देहात की उसका इतना विकास कराऊंगा कि लोगों की ये शिकायत नहीं रहेगी कि रामपुर में ही किया। अध्यक्ष जी एक सवाल और, विधानसभा का बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है 2022 में, टाइम तो काफ़ी बचा नहीं है, काफ़ी कम टाइम बचा है, तो माननीय आजम खां साहब कब तक जेल से आ जाएंगे, या इस विधानसभा चुनाव में जो आप लड़ेंगे 2022 का, क्या उनके बिना लड़ेंगे आप? आजम खां साहब बहुत जल्दी आएंगे क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हमें कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। आजम खां पे सैकड़ों केस लगाए गए और सारे केसों में उनकी जमानत हो चुकी है, एकाध केस रह गया है, सिर्फ उसमें भी बहुत जल्दी वो जमानत होके और वो यहाँ पर आएंगे और उनके ऊपर जितने झूठे केस हैं ये सब, इनमें इंशाल्लाह इनमें इनकी जीत होगी कि कोई भी केस उनके ऊपर ऐसा नहीं है जो उन्होंने किसी के साथ गलत किया हो। तो आपको ये लगता है जो 2000 विधानसभा का इलेक्शन होगा आप आजम खां साहब के साथ लड़ेंगे? बिल्कुल, आजम खां साहब और जनता साथ में रहेगी, साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए, और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को?
बस जनता को यही मैसेज है कि ये जो नफरत की दीवारें खड़ी करके नफरत फैला के जो ये काम ये सरकार कर रही है उसे मोहब्बतों में बदलें और आपस में भाईचारा रखें, प्यार मोहब्बत जैसे पहले था उसे रखें और नफरतों को भगाने के लिए अपनी मोहब्बत की हम ऐसी शमा जलाएं कि चारों तरफ खुशियां ही खुशहाली ही यहां पर बिखरे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए जिला अध्यक्ष जी। मैं आपका दोस्त महफूज बारसी और आप देख रहे थे SKS वेब न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।